ईटीवी के न्यूज नेटवर्क के हेड श्री जगदीश चंद्र जी, आदरणीय बहन जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक जी परिणामी, सांसद श्री रामचंद्र जी भोरा, सब उपस्थित मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, सब मान्य न्यायाधीश जो यहाँ बैठे हुए हैं, प्रेम भंडारी जी, राजस्थानी भाषा को प्यार करने वाले यहाँ सब उपस्थित महानुभाव और मीडिया जगत के सब बंधुगण, सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ ईटीवी परिवार को, जिसने मुझे आपके इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे आप लोगों के बीच में आने का ये अवसर दिया। बड़ी खुशी की बात है कि ईटीवी राजस्थान आज से राजस्थानी भाषा में अपनी खबरा बुलेटिन शुरू कर रहा है। बड़ी खुशी की बात है। और मैं वैसे तो मैं समझती हूँ कि जगदीश जी तो कोई ना कोई अनूठा नया अपना काम कुछ करते ही हैं, कोई ना कहीं कैसे न कैसे करने की कोशिश करते ही हैं ताकि लोगों का इंटरेस्ट रहे, प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज भी होना, दोनों चीजों को ध्यान में रखना ही पड़ता है जो भी बिजनेस करता है। और मैं समझती हूँ ब्यूरोक्रेट से ज्यादा ये बिजनेसमैन ही थे, तो इसलिए राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी को इतने जल्दी छोड़ के और इतने सक्सेसफुल अपने इस नए वेंचर में हुए। ये आप सबको मैं तो नहीं मान रही थी कि आपके साथ आज मंच पर बैठ के इतनी सारी कंट्रोवर्सी को इतने जल्दी पैदा करने में आप सफल हो जाएंगे, परंतु ये कार्यक्रम क्या होता अगर इस कार्यक्रम के अंदर आपने ये सब कुछ पैदा नहीं किया होता तो? इसका इंटरेस्ट तो तभी होता है जब एक दूसरे से कोई ना कोई जूझते हैं, कोई ना कोई नई बात निकलती है, तब तो प्रोग्राम इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसको कहते हैं टीआरपी रेटिंग्स। अब कोई किसी किस्म से यूज करता है, कोई किसी किस्म से यूज करता है, परंतु कोई यहाँ मास्टरी से इतनी मास्टरी नहीं रखता है जितनी जगदीश जी रखते हैं। आज देख रहे हैं मुझे अच्छी तरह से इसी मंच पे हो गया। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ है जो कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं फंसा। मैं बची और मैं बची इसलिए क्योंकि मैंने अपने ये अपना वो क्या बोलते घोषणा पत्र, उस घोषणा पत्र के अंदर मैंने घोषणा कर दी थी कि आने वाले समय के अंदर राजस्थानी भाषा को मान्यता देने का काम राजस्थान के अंदर। तो जब आप इसको कॉन्ट्रोवर्शियल बनाना ही चाहते हो, आज के दिन ये चलो तो अच्छा चल रहा और आपका हृदय से कर लिया, जहाँ आपको सब मिल गए, भवानी सिंह जी भी मिल गए आपको, ये मेघवाल जी को आप खींचने वाले थे तब तक हमने कहा भी आप क्यों इतना कॉन्ट्रोवर्सी बढ़ा रहे हो इनने तो पूरे उसको अपनी वकालत जितना करनी थी वो वकालत के अंदर बांध के बहुत अच्छे शब्दों के अंदर मेरे आफ्टर ऑल इज अ सक्सेसफुल वकील तो वो तो वही नहीं सकता है कि मैंने दिखा नहीं सके ये सब बातें तो उन्हें बता दिया अपना और मुझे मैं विश्वास ये है कि जब हमने स्टेज से उतरेंगे तो इसके बारे में पूरी जानकारी ये लेकिन मेरे पास आ ही जाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने अपने इस टीवी चैनल को इतने जोर शोर के साथ आज लॉन्च कर दिया। कंग्रेचुलेशन हम सबकी ओर से। कंग्रेचुलेशन।